नारी के सम्मान में, चांदीवली के विकास के, नारी के सम्मान में, चांदीवली विकास के, नारी के सम्मान में, चांदीवली विकास के लिए, नारी के सम्मान के लिए, चांदीवली के विकास के लिए। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। निर्दलीय चांदीवली विधानसभा से प्रत्याशी ममता दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से उन्हें जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है कब, और वो उस चुनाव चिन्ह को आज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जो आपको चुनाव चिन्ह मिला है, उस चुनाव चिन्ह से आप कितनी खुश है, और वो क्या एक अगर उस चुनाव चिन्ह की बात करें तो उससे क्या समझ रही हैं? सुबह सुबह तो सभी महिलाएं या पुरुष लोग सुबह सुबह या बैठती रहता है या तो सब गुड मॉर्निंग है, सब लोग सुबह कप से चाय पीते हैं, इसके लिए सुबह सुबह सबको अपना कप याद रखना चाहिए। तो सुब्रांशु जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से अपनी धर्म पत्नी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के उनके चुनावी मैदान में आप उनके साथ हैं, जो चुनाव चिन्ह आया है उस चुनाव चिन्ह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये चुनाव चिन्ह और जनता किस तरह से उस पर वोट कर आपकी धर्म पत्नी को विजयी बनाएंगे? देखिए, सब लोग एक चाय वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिए, तो मुझे लगता है ममता दीक्षित जो एक पत्नी है वो चाय बनाने वाली है, जो चाय डेली बना के देती है अपने पति, हर महिला अपने पति को चाय बना के सुबह देती है, तो सबको चाय प्याला जो चाय बसी याद रहना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में जो मोदी जी किए हैं सब लोग याद करते हैं, तो ममता दीक्षित को भी चांदीवली विकास के लिए लोग याद करेंगे, और चाय जो कप बसी चाय है वो चुनाव चिन्ह सबको याद रहेगा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक नारा है जो यहाँ पे आज लॉन्च था, यहाँ पर हमें सब लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या लगता है ये संदेश कितना लोगों के लिए अहम होगा और किस तरह से जनता के बीच जब जाएंगी ममता जी तो किस तरह से जनता पर अपना विश्वास हासिल कर पाएंगी? देखिए, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक है, सबका खून एक है, कलर एक है, जो यहाँ पे राजकरण करते हैं एक दूसरे को बांटते, बात मुद्दा है चांदीवली के विकास का, बहुत सारा स्लम एरिया कितने साल से झोपड़पट्टी में लोग पड़े, आज वहाँ बगल में एयरपोर्ट है, बगल में पवई है, हम बगल में स्लम एरिया छोटे छोटे रूम में रहते, आज हमको कब का फ्लैट मिल चुका होता, लेकिन लोग खुद के वोट बैंक के नाते, राजनीति करने के नाते विकास नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग से, हम आम जनता है, सब आम जनता का प्यार है, सब लोग चाहते हैं कि चांदीवली का विकास हो और बदलाव कुछ होकर रहे, चांदीवली कम से सब लोग फ्लैट में रहना चाहते हैं, सबको अच्छा रास्ता चाहिए, अच्छा लाइट चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, तो मुझे लगता है महिला शक्ति जो नारी शक्ति है इस साल मुझे लगता है यहाँ पर बदलाव करके रहेगी, दिखाएगी। तो ममता जी, आप अभी घर में एज अ हाउस वाइफ रही हैं, आप अब घर से बाहर निकली हैं जनता के विकास करने के लिए, तो जनता के विकास के लिए जब आपको लोगों में गलियों गलियों में घूमना पड़ेगा, इस कड़ी धूप में घूमना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहें? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, ऐसा नहीं, अपनी नारी शक्ति के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि अपनी नारी में इतनी ताकत है कि सब कुछ कर सकती है। तो लोगों की बहुत सारी आशाएं आपसे जुड़ जाएंगी, वो आपको अगर जिताएंगे तो उनकी जो आशाएं होंगी उस पर खरी उतरेंगी, सबके लिए कार्य करेंगी, या फिर वो कुर्सी मिलने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपने जनता से वादे किए? अगर वादा पहले मैं नहीं करूंगी, पहले मैं आऊंगी तब सबका करके दिखाऊंगी, क्योंकि दिखाने में ही ताकत रहती है, बोलने में ताकत नहीं रहती है। आप कहाँ, चांदीवली से? हाँ जी, मैं। तो ममता जी को आप कब से जानते हैं और क्या लगता है कैसे एक उम्मीदवार अगर नेत्री के रूप में आप उन्हें चुनेंगे तो क्या लगता है किस तरह का कार्य करेंगे वो? वो बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे ममता जी के बारे में, कब से उन्हें जानती हैं, किस तरह वो कार्य करती हैं, और अगर वो नेत्री के रूप में यहाँ के विकास के लिए आई हैं आपके बीच में, तो कितने उनसे आशाएं? अभी तो अच्छे लग रहे हैं, अभी हम नए आए, अभी हम क्या बता सकते हैं, अभी हम लोग अभी नए हैं, इसे आगे मैं नहीं जानती हूँ अभी, मगर अच्छे लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ममता जी के बारे में, किस तरह की एक नेत्री हैं जो लोगों के बीच आई हुई हैं? ममता जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ममता जी एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में, या आप कह सकते हो कि पिछले 25 सालों में कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट चांदीवली को मिला नहीं है, इसलिए चांदीवली का विकास अधूरा है। जैसे स्लम की हो जाए, अगर 10 मिनट बरसात हो जाती है तो घुटने तक पानी आ जाता है, स्लम और भी ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो चांदीवली को पिछले 20 सालों से अधूरा छोड़ रखा है। तो एक अच्छी महिला के कारण, पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के कारण हमसे बहुत सारी अपेक्षा है कि ये इस पे खरी उतरेंगी, इसलिए हम लोग ममता दीक्षित जी के साथ हैं। सुब्रांशु जी तो हमेशा ही लोगों के बीच रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लिए कार्य किया है चांदीवली के लिए, लेकिन अब उनकी धर्म पत्नी चुनाव मैदान में उतरी, वो भी निर्दलीय से, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनता देखती है, और आप कितने समय से उनकी ममता जी को जानते हैं और क्या लगता है किस तरह से कार्य कर पाएंगे? मैं 4-5 साल से मतलब देखता हूँ, मैं भाई के साथ में हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कम से कम दो अढ़ाई साल से कर रहे हैं, पहले मनसे में थे, अभी भी ये है, ऐसा आदमी है कि चांदीवली का विकास कर सकते हैं। हमें इतना मालूम है कि अगर जो सच्चा और ईमानदार आदमी रहता है उसको लोग दबाते हैं, आज दबाने को ऐसे आज हम लोग फॉर्म भरे और हम लोग जीत के आएंगे,
और फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में ही रहेंगे। सबको लगता है कि हम लोग जीत नहीं सकते, लेकिन हमारी निशानी कब बसी है, हम लोग जीत के रहेंगे। प्रांशु जी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि एक तरफ भाजपा है और एक तरफ आपकी धर्म पत्नी है, आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको जिताने की कोशिश होगी? देखिए, जहाँ बात है भाजपा की, तो हम लोग मोदी जी की विचारधारा से खुश हैं और मोदी जी वाले हैं। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पे चांदीवली हमारा रीजन डिस्ट्रीब्यूट किया है, चांदीवली में कई साल से कोई और पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो अब के मुद्दा ऐसा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलता तो वन साइड सीट निकल सकता था। बगल में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के राम कदम जी खड़े हैं, वहाँ पे अपक्ष में कोई और खड़ा है जो भी सेना कैंडिडेट थे। तो बहुत सारे ऐसे सीट है जो वहाँ पे लोग मतभेद हो रहा है, जो इशू हो रहा है, तो लोग बीजेपी को जानते हैं, हम लोग बीजेपी वाले ही, लेकिन जो मुद्दा था चांदीवली के विकास के लिए, चांदीवली का विकास करना, वो सब सब्जेक्ट के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ता महिला शक्ति मिलकर हम लोग प्लान किए, तो सब लोग डिसीजन लिए ममता दीदी को चुनाव उतरना चाहिए, इसलिए ममता दीदी चुनाव लड़ रही हूँ, मेरे पत्नी इसलिए उनका साथ दे रही हूँ। आपको बता दूं कि ममता दीक्षित जो एक पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं, और वो ज़्यादा बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, लेकिन वो लोगों के लिए कार्य करना और विकास करना चाहती हैं, और वो बहुत समय से राजनीति के क्षेत्र में बात करें अपने पति के साथ रही हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ उसका नॉलेज भी है, जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, और यहां की जनता उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रही है। उस उम्मीदों को किस तरह से ममता जी पूरा करेंगी, यह हम आगे देखेंगे। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।